बनाने के लिए मैंने ले लिया एक पैन और इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ऑयल काफ़ी है। और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इन्हें और ये भी फ्लेम मैंने फुल कर रखी है। और साथ में इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी एक प्याज बारीक कटी हुई और इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ मैं इसके साथ। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून गई है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच सेजवान सॉस। अगर आप सेजवान सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी और जरा सी हल्का सा नमक, और जरा सा डालेंगे नमक, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, आधा चम्मच, एक चम्मच के लगभग अमचूर पाउडर, आधा चम्मच ऑरिगेनो, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसकी फ्लेम मैं कर देती हूँ मीडियम आंच पे, मैं ये करूँगी इस तरह से भूनूंगी, ऐसे भून लेती हूँ थोड़ा सा। और अब डाल देती हूँ मैं एक चम्मच इसमें टमाटो केचप, इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसे भून लेते हैं अच्छे से, जिससे कि ये मसाले अच्छे से भून जाए। वैसे तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं रहती है, मसाले बहुत कम पड़ते हैं क्योंकि सेजवान सॉस में ऑलरेडी मसाले होते हैं। मैं थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी चार उबले हुए आलू, ये मीडियम साइज़ के आलू थे, बड़े हो तो दो भी ले सकते हैं। ये मसाला तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो आप अगर सैंडविच भी बनाएंगे ना वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और इसी समय ना हम इसमें मिक्स करने के बाद नमक भी चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने नमक थोड़ा ही डाला है, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और सेजवान सॉस में भी नमक था, तो इसलिए नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसे इस तरह से मैश करते हुए अच्छे से भून लेती हूँ 2 से 3 मिनट। अब ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इन्हें एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेती हूँ थोड़ा सा। और इसकी अब मैंने फ्लेम कर दी है बंद, बस हमें धनिया मिक्स करना है इसमें। और ये आलू एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने ले लिए 4 ब्रेड स्लाइस इस तरह से और इन्हें इस तरह से लगा लेती हूँ चारों को। और सबसे अच्छी बात इस नाश्ते में ये है कि इसके हमें किनारे हटाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम स्पून से ये अपना मसाला लेंगे और इसे अच्छे से लगा लेते हैं, पूरे में अच्छे से फैला के लगाना है। ये देखिए इस तरह से पूरे में लगा लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं मैं सैंडविच बना रही हूँ, पर सैंडविच नहीं बना रही, ये एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए मैंने चारों पीस पे इस तरह से लगा लिए आलू। अब हम एक पीस लेंगे इधर से और इसका क्या है हम 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, एक कट करके मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीस इस तरह से निकाल लेते हैं सब। ये मैंने इस तरह से सब कट कर लिए हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया एक बर्तन, इसमें मैं डाल दूंगी 4 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसकी जगह मक्का का आटा या गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं या पूरा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच ही मैदा। चावल का आटा हम इसलिए लेते हैं कि उससे थोड़ा करारापन आता है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और इस तरह से हम देख रहे हैं ना स्पून पे पीछे ये चिपका हुआ है, इस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब, जो मैं नाश्ता बनाती हूँ उसका ब्रेड के किनारे बच जाते हैं, तो मैं उसका क्या करती हूँ इस तरह से सुखा के और इसे पीस लेती हूँ, तो इस तरह का ब्रेड क्रम्ब बन के तैयार हो जाता है। अब हम लेंगे एक एक पीस इसमें डिप करेंगे और ज़्यादा देर इसमें छोड़ना नहीं है, हमें हल्का सा डिप करना है और एक्स्ट्रा इसमें जो बैटर है वो निकाल देंगे
और इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड क्रम लगाएंगे और एक प्लेट में अभी इस तरह से रख देंगे इसे। अब इसी तरह से मैं सब तैयार कर लेती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से बनके स्टिक हमारी तैयार हो गई है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। अब हम इसमें ऑयल अपना तेज गरम अभी करेंगे, और क्योंकि जब हम ये डालेंगे ना तो उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाएगा। और अगर जैसे कभी कभी क्या है, हम जैसे ब्रेड पे लगा रहे हैं आलू तो वो सॉफ्ट सी हो जाती है, तो आप इसको 2-3 मिनट फ्रिज में रख देंगे तो वो आपके सॉफ्ट नहीं रहेगी ब्रेड। और इसे अभी हम मतलब तेज गरम ऑयल में ही डालेंगे, नहीं तो क्या है हमारा जो ये नाश्ता है ना ऑयल पी लेगा, फिर वो उतना टेस्टी नहीं रहेगा। और इसमें इतने ही पीस डालें जितने आराम से फ्राई हो पाए इस तरह से। और मैं इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको आसानी रहे इस तरह से। अभी हम इसको 1-2 मिनट इसी तरह से छोड़ देते हैं, जिससे कि एक साइड से ये फ्राई हो जाए। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक स्पून की मदद से इन्हें पलट देते हैं हल्के हाथ से, और जितने हमारे हो गए उनको पलट देते हैं, जिसमें अभी कमी है उनको बाद में पलट देंगे। और इसी तरह से हम पलट पलट के इनको गोल्डन कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनके ऊपर। अब ये देखिए हम मैं पास से दिखाती हूँ, कुछ पे कलर आ गया, कुछ थोड़ा से कम अभी गोल्डन हुआ है, तो इसे और थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं। कितना अच्छा कलर आया है इनके ऊपर। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे स्टिक ब्रेड रोल बनके तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ।